ਜਸਟੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੈਮਨ ਮੈਗਸੇਸੇ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਰ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਬੋਲਿੰਦਰ ਰਵੀਸ਼, ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਸੇ ਲੋਗ ਉਤਰੇਂਗੇ ਔਰ ਜਾਏਂਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਤਾ ਹੂੰ। ਰਵੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਵੀਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਆਪ, ਜੋ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਯਹਾਂ ਸੇ ਉਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਐਸੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤੀ? दिल्ली में बहस इसलिए नहीं होती है कि अमित शाह ने अब कहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल बाद कहा है उन्होंने, तो अब होनी चाहिए बहस। पहले उन्होंने नहीं कहा था कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, दिल्ली का आप कैरेक्टर आपको समझना ही पड़ेगा, जो मीडिया का कैरेक्टर है ना, आप उससे अनजान नहीं हो सकते हैं। मैं तो अब कहता हूँ कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं वो जिसको सपोर्ट करना चाहें करें, लेकिन अगर वो इस मीडिया को अगर वो सपोर्ट करते हैं तो मुझे उनसे बड़ा एतराज़ है। रैमन मैगसेसे अवार्ड विनर ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੀਏ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਕੁਤਰਕੋਂ ਪਰ ਹੈ, ਤਥਿਯ ਉਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵੋ। और जो बहस है वो विपक्ष को धमकाने और उसको क्वेश्चन के लिए हो रही है, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बहस नहीं हो रही है। वो शायद मैं ये समझ रहा हूँ कि अमित शाह ने अब कहा है राज्यसभा में कि उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो अब देखते हैं कि मीडिया वैसा करता है कि नहीं करता है। पर आप दिल्ली की चिंता छोड़िए, आप लोगों को ये बताइए कि इस वक्त भारत के अखबार और भारत के न्यूज़ चैनल, भारत के अर्जित लोकतंत्र को, लोकतंत्र को हमने बड़ा संघर्ष किया है भाई, ऐसे नहीं है, सरहद पर लोगों ने शहादत दी है और अंदर जाके लोगों ने अंडमान जैसे उस सेलुलर जेल में यातनाएं भुगती हैं, तब जाके डेमोक्रेसी मिला है ना। तो हम इसको अभी फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, कभी हाथ से छूट जाता है, कभी बिगड़ जाता है, इस लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रहा है। रविश, इसी इसी पत्रकारिता नहीं है रविश, इसी 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 डेमोक्रेसी में घरानों का एक छोड़ा हुआ, एक तरह से आप उसका वो है कि जिसके जरिए ये सारा खेल हो रहा है। इसी में हम मीडिया की एक परिभाषा जो बचपन से पढ़ाई जाती है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, कि मीडिया को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। कौन सी घुट्टी ऐसी पिलाई जा रही है कि मीडिया विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं चाहिए? मीडिया को खत्म कर दिया, जिसको आप मीडिया कह रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि लोग ये बात समझ क्यों नहीं रहे। वो मीडिया है नहीं, आप उसको समझना पड़ेगा कि वो जो जिस तरह से उसका गला घोट दिया गया है और मालिकों ने अपनी नीयत बदल ली है, ये साफ है इसमें। ठीक है, छोड़ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश से बातचीत करने के लिए। सोएसन रवीश कुमार, रैमन मैगसेसे अवार्ड विनर, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुल्क के अंदर बहस जड़ी हैगी है वो बहुत वड्डे पद्धर से हो रही है, पर उस बहस नू नरेटिव जिस तरीके नाल सरकारां डिफाइन कर रही ने वो कितना कितने समझना होगा, उसको कितना कितने समझने की लड़ है। कैमरा परसन बलजीत के नाल गगनदीप चौहान, जस पंजाबी, चंडीगढ़।